नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में अपन जानेंगे रीट भर्ती के बारे में। रीट भर्ती आपको पता है बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रतीक्षित भर्ती जो कि 26 सितंबर को होने जा रही है। इस भर्ती के बारे में आपको पता है कि आज इसके एडमिट कार्ड जारी कर दिए जाएंगे, आपको डाउनलोड करने होंगे। तो इसमें इस वीडियो में अपन बात करेंगे एडमिट कार्ड कैसे आपको डाउनलोड करने होंगे और किस प्रकार से आप डाउनलोड करके और क्या क्या सावधानियाँ इस में बरतनी है, वो सब इसमें अपन जानेंगे। तो चलिए थोड़ी देर में जो मैं आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा वहाँ जाके आप चेक कर सकते हो। इस लिंक पे आपको पता लग जाएगा कि ये जो एडमिट कार्ड कहाँ पर आपको मिलने वाले हैं और क्या क्या आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की आवश्यकता होने वाली है, ठीक है। तो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि आपने ऑनलाइन आवेदन कर दिया। ऑनलाइन आवेदन करने के बाद में आपको जब एडमिट कार्ड प्रिंट करोगे तो आपको बता दूं कि उसके लिए आपको कुछ जानकारी चाहिए, वो जानकारी इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूं। तो अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रीट से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी और इसके क्वेश्चन पेपर आंसर किसी रिलेटेड और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी, इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। बेल आइकन को दबा लें, वीडियो लाइक करें और अच्छा लगे तो शेयर करें। तो चलिए अब सबसे पहले आपको क्या है कि रीट भर्ती के लिए आपको चालान नंबर चाहिए। अगर आप चालान नंबर फॉरगेट हो गए यानी कि आपको पता नहीं है, भूल गए हो आप, तो कैसे करेंगे, उसके लिए एक ऑप्शन दिया गया है इसे यहाँ पे इस टैब पे देख रहे हो आप कि फॉरगेट रजिस्ट्रेशन चालान नंबर, ठीक है। इस पर जैसे आप क्लिक करते हो तो यहाँ पर कुछ फॉर्मेलिटियाँ आपको पूरी करनी होगी, जैसे कि नेम, मदर नेम और उसके बाद में आपका लेवल कौन सा है और आपकी DUB, ठीक है। ये चार महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। तो ये आप कैसे करेंगे ये आपको मैं बता देता हूँ। इसमें तो सबसे पहले आपको सामने सर्च करके दिखाता हूँ। सबसे पहले आप कैंडिडेट का नेम लिखेंगे, फिर मदर नेम लिखेंगे, लेवल और डेट ऑफ बर्थ सर्च करके वो कैसे करेंगे देखिए, ठीक है। मैंने जानकारी इनपुट कर दी है इसमें, इसके बाद मैं नेक्स्ट करूँगा। जैसे ही मैं नेक्स्ट करूँगा तो यहाँ पर मुझे चालान की पूरी डिटेल मिल जाएगी, जिसमें आपको चालान नंबर मिलेंगे, आपका नेम, फादर नेम वगैरह, लेवल्स और आपका रजिस्ट्रेशन कब हुआ वो और पेमेंट मोड वगैरह, स्टेटस वगैरह सब आपको मिल जाएगी और फॉर्म फील्ड की स्टेटस भी इधर आपको मिलेगी, ठीक है। तो अब ये भी मैं बताऊंगा आपको इस आगे वीडियो में कि फॉर्म अगर आपके पास नहीं है, आपके पास फॉर्म गायब हो चुका है या आपने उस टाइम डाउनलोड नहीं किया है तो उसको रीप्रिंट कैसे करोगे, क्योंकि फॉर्म आपको जब आपका सिलेक्शन होगा तो उस टाइम आपको फॉर्म ज़रूर चाहिएगा, तो ये फॉर्म आप कैसे करेंगे। तो सबसे पहले चालान नंबर है, इसको आपको कॉपी करना है। जैसे आप कॉपी कर लेंगे उसके बाद में आपको इसको बैक होना है यहाँ से। बैक होने के बाद में हम यहाँ पर आ गए, आप देखिए सबसे ऊपर दे रखा है कि रीप्रिंट एग्जाम फॉर्म रीट 2021। तो इस पर आप जैसे आप क्लिक करोगे तो क्लिक करने के बाद एक न्यू फॉर्म पे ले जाएगा। यहाँ सबसे पहले आपको चालान नंबर चाहिए, चालान नंबर आपको मैंने बताया उसी प्रकार से आपको यहाँ पर पुट कर देने, इनपुट करने के बाद में मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ और नेक्स्ट कर देंगे इसी प्रकार से जैसे मैंने पहले आपको बताया। ये सब जानकारी आपके पास होती है, सबसे बड़ी बात है चालान नंबर की दिक्कत होती है, चालान नंबर मैंने आपको बता दी किस प्रकार से आप सर्च करोगे, ठीक है। ये जानकारी करके आप कर दोगे नेक्स्ट। जैसे आप नेक्स्ट करोगे तो आपका फॉर्म यहाँ पर ओपन हो जाएगा और आपको फॉर्म के अंदर आपकी पूरी डिटेल्स जो है वो और ऊपर आपको फॉर्म नंबर भी, आपको जो फॉर्म नंबर है वही चालान नंबर है वो आपको सारा मिल जाएगा। ये फॉर्म नंबर आप अभी भी आपका फॉर्म है, ये आपको फिलअप करके पूरा का पूरा फिलअप किया हुआ है, ये आपके पास रीप्रिंट आपको मतलब कर लेना है, ठीक है। ये आपके काम देगा सिलेक्शन के बाद। अब आपके बात आती है एडमिट कार्ड की, तो एडमिट कार्ड के जो ऑप्शन है वो यहीं पर आएगा, शाम तक आज शाम तक आ जाएगा और जैसे ऑप्शन होगा तो मैं आपको बता दूंगा इस लिंक पे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया उस पर आप विजिट करते रहें, आपको पूरी जानकारी उस पर रीट से संबंधित मिलती रहेगी, ठीक है। और रीट में आपको एग्ज़ाम जब सेंटर में जाओगे तो आपको क्या क्या वहाँ पर ले जाना है, क्या नहीं ले जाना, वो इंट्रैक्शन भी उस लिंक पर नीचे दिया गया है, ठीक है। तो उस पर विजिट करते रहें, आपको पूरी जानकारी मिलती रहेगी। ओके दोस्तों, थैंक यू।